शुरुआत हम करेंगे कंटेंट अवेयर स्केल फीचर से। इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से इमेज के किसी सब्जेक्ट को सेफ रखते हुए हम उसके बैकग्राउंड को वाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इस इमेज की एक कॉपी बना लेंगे कंट्रोल प्लस जे प्रेस करके। इसके बाद में हम क्रॉप टूल को सेलेक्ट करेंगे और क्रॉप टूल में जिस हिसाब से हमें अपनी इमेज को वाइड करना है उस हिसाब से एरिया ड्रा कर लेंगे। अब हम सेलेक्ट मेन्यू में जाएंगे और सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इससे फोटोशॉप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप इस इमेज में जो भी सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर लेगा। जैसे यहाँ पे ये कार सेलेक्ट हो गई। अब हम इस सिलेक्शन को सेव करेंगे तो फिर से हम सेलेक्ट मेन्यू में जाएंगे और सेव सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें इस सिलेक्शन को कोई भी एक नाम देना है और ओके प्रेस करना है। अब कंट्रोल प्लस डी बटन प्रेस करके हम इस सिलेक्शन से बाहर आ जाएंगे और एडिट मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कंटेंट अवेयर स्केल। अब हम इसको लेफ्ट और राइट स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे ये जो रेशियो लिंक है इसको अनलिंक करना है और यहाँ पे ये जो प्रोटेक्ट मोड है यहाँ पे हमने जो सिलेक्शन सेव किया था उसको सेट करना है। इसके बाद में हम इसको इस प्रकार से लेफ्ट और राइट में ड्रैग कर सकते हैं तो इसमें जो हमारा सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेच नहीं होता है, इसके अलावा बैकग्राउंड स्ट्रेच हो जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि किसी एक कलर को छोड़ के बाकी की पूरी इमेज को ब्लैक एंड वाइट हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक ह्यू एंड सैचुरेशन का लेयर बनाएंगे और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं ताकि आसानी से समझ सके अच्छी तरह से। और यहाँ पे ये जो ऑन इमेज एडजस्टमेंट टूल है इस पर हम क्लिक करेंगे और जो कलर हमें रखना है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो सैचुरेशन है इसको हम बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। कलर में अगर परफेक्शन ना हो तो यहाँ पे ये जो ऐड टू सैंपल आइकन है इस पर क्लिक करके इस कलर को पूरी तरह से सेलेक्ट करके इस प्रकार से हम ग्रे साइकिल कर देते हैं। अब ये जो इफ़ेक्ट आप देख पा रहे हैं इसका रीजन है ये वैल्यूज, ये जो आप ह्यू सेचुरेशन की ये जो लाइन है इसमें देख पा रहे हैं इधर 195 225 और ये इधर 320 350 है। तो हमें जो रिजल्ट चाहिए वो इसका एकदम अपोजिट चाहिए। ये जो ड्रेस है हमें इसको तो कलर रखना है और बाकी की पूरी इमेज को ब्लैक एंड वाइट करना है। तो इसके लिए हम ये जो वैल्यू है आप देख रहे हैं इस ह्यू सेचुरेशन बार में इसको हम अपोज कर देंगे, यानी कि ये जो 195 225 है इसको हम यहाँ पे ले आएंगे और 320 350 है इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये जो ड्रैग बार है इसको हम ड्रैग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जो 195 225 है इसको इधर लाते हैं और हम इसको एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे हम 195 225 को सेट कर लेते हैं। अब इधर हमें सेट करना है 320 और 350। तो इस प्रकार से हमने इनकी वैल्यूज को उल्टा कर दिया है और अब हमें जो इफेक्ट चाहिए था वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस ड्रेस के अलावा बाकी की पूरी इमेज ब्लैक एंड वाइट हो गई है। नेक्स्ट हम जानेंगे फोटोशॉप के एक अमेजिंग फीचर फेस टूल के बारे में, जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं फिल्टर मेन्यू में। ये जो लिक्विफाई फिल्टर है इस पर क्लिक करके, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये जो डायलॉग बॉक्स आएगा इसमें यहाँ पे नीचे से तीसरा है फेस टूल, इस पर हम क्लिक करके फेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे हम चेहरे को इस प्रकार से लंबा कर सकते हैं, स्माइल बना सकते हैं, नाक, आंखें, तो इस प्रकार से हम फेस के साथ काफी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे फोटोशॉप के मैच कलर फीचर के बारे में।
इस फीचर से हम किसी एक इमेज का इमेज टोन किसी दूसरे इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये जो सनसेट की इमेज है, इसका कलर टोन हम अप्लाई करेंगे इस इमेज पे। तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस जे प्रेस करके इसकी एक कॉपी बना लेते हैं कंपेयर के लिए। और इसके बाद में हम जाएंगे इमेज मेन्यू में एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स में हम क्लिक करेंगे मैच कलर पे। मैच कलर डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे ये जो सोर्स है, सोर्स में हमें सेलेक्ट करनी है वो इमेज जिसका कलर टोन हमें इस इमेज पे अप्लाई करना है। और जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से ये टोन दिखाई देने लग जाएगा। इसको और भी अट्रैक्टिव लुक देने के लिए लुमिनेंस आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और कलर इंटेंसिटी यहाँ से सेट कर सकते हैं, और फेड यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हम ओके प्रेस करेंगे। तो ये तो है ओरिजिनल इमेज और ये है सनसेट वाले इमेज के टोन के साथ। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शंस को कैसे ठीक करें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो जो लेयर है इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। तो हमें लेयर पे राइट क्लिक करना है और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्लिक करना है। इसके बाद में हम जाएंगे फिल्टर मेन्यू में और फिल्टर में कैमरा रॉ फिल्टर। कैमरा रॉ फिल्टर में हमें आना है ये जो जियोमेट्री टैब है इस पे। जियोमेट्री टैब पे आप यहाँ पे ये जो ऑटो है ऑटो पे क्लिक करके करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑटो करेक्शन ठीक नहीं लगे तो इसके लिए हमें आना है ये जो लास्ट का ऑप्शन है, लास्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे हमें दो वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है इस प्रकार से। इस आइकन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं ये ओरिजिनल है और ये। इसके बाद में आप ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप स्मार्ट फिल्टर्स को ऑन और ऑफ करके देख सकते हैं, ये ओरिजिनल है और ये फिल्टर के बाद। नेक्स्ट हम जानेंगे किसी लोगो को रियलिस्टिक लुक में किस प्रकार से हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट ये बोतल है और ये है लोगो जिसको हमें उस बोतल पे पेस्ट करना है। तो इसको हम कंट्रोल ऑल और सी प्रेस करके कॉपी करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी प्रेस करके पेस्ट कर देते हैं। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस टी, इसको रिसाइज करेंगे और एडजस्ट करेंगे जहाँ पे हमें इसको अप्लाई करना है। फिर हम एंटर प्रेस करेंगे और अब हमें ये जो नीचे वाला बोतल लेयर है इसको सेलेक्ट करना है। कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी एक कॉपी बना लेनी है और इसको लोगो वाला लेयर है इसके ऊपर स्टेक करना है। आप चाहे तो ड्रैग कर सकते हैं या कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट ब्रैकेट की से आप इसे ऊपर ला सकते हैं। इसके बाद में हमें इस लेयर को डीसेचुरेट करना है, जो कि आप शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस यू बटन प्रेस करके डीसेचुरेट कर सकते हैं, या फिर इमेज एडजस्टमेंट और यहाँ पे डीसेचुरेट करना है। अब हमें कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस जी प्रेस करके इसको ग्रुप कर देना है नीचे वाले लोगो लेयर से। इसके बाद में हमें ये जो ब्लेंड मोड है नॉर्मल से सेट करना है लीनियर लाइट। और इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि इस बोतल की जो वाटर ड्रॉप्स और शाइनिंग है वो लोगो के ऊपर दिखाई दे रही है। तो अब इसकी ओपेसिटी को हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जहाँ पर भी बेस्ट लगे उस हिसाब से इसको सेट करेंगे। तो इस प्रकार से हम एक लोगो को रियलिस्टिक लुक में किसी ऑब्जेक्ट पे प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड टेक्स्ट किस प्रकार से हम टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो इमेज है इसमें हमारे सामने ऑब्जेक्ट है ये पर्सन। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट मेन्यू में जाएंगे और सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट कर देंगे। अब हम इस सिलेक्शन को एक्सपेंड करेंगे। तो इसके लिए हम सेलेक्ट मेन्यू में जाएंगे, मॉडिफाई एक्सपेंड। एक्सपेंड मैं इसको एग्जांपल के लिए 50 पिक्सल कर देता हूं और ओके प्रेस करता हूं। अब हम ये जो लेयर पैनल है यहां पे जाएंगे पाथ पैनल में, और पाथ पैनल में ये जो यहां पे आइकन दिखाई दे रहा है मेक वर्क पाथ फ्रॉम सेलेक्शन, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये वर्क पाथ बन जाता है। अब हम टाइप टूल को सिलेक्ट करते हैं और इसमें क्लिक कर देते हैं तो ये जो लोरेम इप्सम का डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है ये टाइप हो जाता है। आप इसे अपने हिसाब से कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसी ऑब्जेक्ट के अराउंड टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।